किशोर जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मंच पर उपस्थित हों। कृपया जोरदार तालियां हमारे बहुमूल अतिथि गण के लिए। मेरा हार्दिक प्रणाम आप सभी को। मैं सभी श्रोतागण से निवेदन करती हूँ कि वे अपने स्थान पर खड़े रहें और सुर से सुर मिलाकर राष्ट्रगान गाएं और देश की गरिमा धड़ाएं। अच्छा, अभी राष्ट्रगान के लिए कुछ क्षण का इंतजार है। जोरदार तालियां हमारे लिए उपस्थित सभी अतिथिगण का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अब हम सब राष्ट्रगान सुर से सुर मिलाकर राष्ट्रगान गाएंगे। संगीतकार जी, ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है जो इतिहास में फिर कभी देखने मिले या ना मिले हम कह नहीं सकते। महाराज जी ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का सम्मान किया, हमारे वर्तमान गवर्नर साहब का सम्मान किया। Thank you.
कि वे पानी पर शहरी विधायक श्री प्रमोद कुमार विश जी का हार्दिक अभिनंदन करें। तालियों की गुंजागुंज से सभा को और जानदार बनाए मेरे श्रोतागण, ये एक बहुत ही बहुमूल्य समय है जहाँ उपस्थित अतिथियों से आज की बैठक सजी हुई जोरदार तालियां इस पर भेंट के लिए। अंततः मैं श्री विनोद गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है। यदि जिसको जहाँ पर स्थान मिल रहा है वह पर्याप्त स्थान करे, जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाने जा रहे हैं, ऐसे अहिंसा के अवतार परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करते हुए सभी मंगलाचरण हम करेंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। बोले देवादेव श्री भगवान महावीर स्वामी की। अच्छी तरह से जय घोष करें उन अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के लिए, जिन्होंने जन जन तक अहिंसा का संदेश दिया, जिनके उपदेश के माध्यम से जन जन तक शांति का एहसास होता है, ऐसे परम पिता परमेश्वर। बोले वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। बोले अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की। बोले आदि ब्रह्मा आदि ऋषभदेव भगवान की। बोले वीर रागी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की। अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोले परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी मुनि महाराज की। इस बात को भी हम ध्यान में रखते हुए आज सभी मुझे बहुत ही आनंद लगा। महावीर जयंती के संदर्भ में हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी आना हमारे लिए बहुत ही जो है बड़ा अधिकार और भी बड़ा अधिकार। उन्होंने एक नारी के रूप में एक सामान्य परिवार से आके राष्ट्रपति बनना मामूली विषय नहीं, उन्होंने उनके जीवन में लाल तपस्या किया है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति बन गए। और एक सामान्य परिवार से और मुझे ये भी खुशी लगा हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके गांव गए, उनके गांव जाकर आपका स्नेह से जो है, लेकिन रामनाथ जी ने अपना जो भी मकान है गांव का जो मकान है वो गांव को जो है दाग दे दी गांव को बना दिया। ऐसे लोग जो है भगवान महावीर जी के सिद्धांतों को पालन करने वाले उच्च कोटि में आए, उच्च कोटि में आए। तो आज मैं हरियाणा में पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं हरियाणा में आना और महावीर जयंती में अपने बीच में रहे और साथ ही साथ इतना ही कहूँगा कि हम सभी लोग इस महान पर्व पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को विश्वगुरु बनाने का प्रयास कर आत्मनिर्भर भारत बनाने का मुझे विश्वास है, ऐसे महावीर जैन जयंती
ऐसे विषय निर्माण करने से, आध्यात्मिक भाव से, और मुझे पूरा विश्वास है भारत आगे आने वाले सदी में विश्वगुरु बन के रहेगा और आगे चलते रहेगा। लेकिन ऐसे पीढ़ी में हम ये वातावरण बना, ऐसे स्वामी जी लोगों को देश में आदर होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको गुरु बनाना चाहिए। विश्वगुरु बोले वो गुरु बने चाहिए, हमारा विश्वगुरु बने, हमारे इस समुदाय को कायम रखना और हमारे जैन जैन इसको भी अहिंसा के रूप में जो हासिल करके नित्य जीवन में लाना, ये मैं और एक बार बताते हुए मुझे इसमें आह्वान करके भाग लेने का जब मौका दिया, ये हमारे कंपनी लोगों को मैं बधाई देते हुए समाप्त करता हूँ। जय। जैसा कि महाराज जी ने सबको बताया कि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सविता कोविंद जी के साथ महावीर भगवान के समारोह में हमेशा उपस्थित होते हैं, ये आज हम सब के लिए अप्रतिम अवसर है जहां स्वयं महावीर महोदय अपने बहुमूल्य शब्दावली से आज की सभा को संबोधित करेंगे। मैं तहे दिल से इन्हें आमंत्रित करती हूँ कि राज्यपाल महोदय की राष्ट्रपति साहब श्री कोविंद जी मंच पर आए और दो शब्द हम सब के बीच में कहें। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित जिनका उद्बोधन अभी हम सुन रहे थे, हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हम सबको महावीर जयंती के अवसर पर उनका मार्गदर्शन मिला, ऐसे पूज्य जैन मुनि श्री समर्पण सागर जी महाराज, पानीपत अर्पण के विधायक श्री प्रमोद कुमार बिंद जी तथा पानीपत ग्रामीण के विधायक श्री महिपाल ढांडा जी, श्री नंदकिशोर जी जो चांसलर महाराजा अर्जुन सिंह विश्वविद्यालय बापू विधायक कस्टम, सबको नमस्कार। सचमुच भी आज हम दो कार्यक्रमों के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, सबसे पहला महावीर जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि इनका नाम है, मैं तो हमेशा कहता हूँ वीरों में वीर भगवान महावीर। यदि उनके जीवन की गाथा हम बार बार सुनते रहते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो हमें उसका एक अंश तो हमें मिल सकता है। पूरी मानवता की श्रृंखला जो बनी हुई है विश्व में, उस मानवता में की श्रृंखला में अनेक शिक्षक, अब वो शिक्षक हम केवल वो शिक्षा ही, उनका काम केवल शिक्षा ही देने, लेकिन ये एक तपस्या के पश्चात शिक्षा देना था। और उस श्रृंखला में विश्व चूंकि बदल रहा है, न जाने कितने अनगिनत महावीर जैसे श्रेणी के लोग हुए आते हैं जाते हैं, लेकिन जिस कालखंड में भगवान महावीर थे उसी कालखंड में भगवान बुद्ध थे। और मैंने बड़े दोनों को नजदीक से उनकी गतिविधियां जहाँ होती थी जिसका उल्लेख किया, मैं जब बिहार में था दो वर्षों के लिए राज्यपाल, तो मैं देखता था कि उनकी जो कपूर भूमि थी, कर्म स्थली थी, तो मुझे बताया गया कि यही जंगल इन्हीं में भगवान महावीर थे, इन्हीं में भगवान बुद्ध थे। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप कभी उनसे भेंट हुई, उनकी आपस में किसी को नहीं आया, लेकिन मैं मानता हूँ भेंट तो जरूर हुई हो, क्योंकि ये भेंट हुई है इसका तो साक्ष्य आपको कहीं नहीं मिलेगा।
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि विश्व ख्याति के दो शिक्षक एक ही कालखंड में हो। लेकिन कुछ भी हो और दोनों की शिक्षाएं थोड़ी बहुत कुछ उसके साथ में या देखने समान लेकिन और सभी की पृष्ठभूमि देखी दोनों ही राज घराने से दोनों ने ही एक मानवता के कल्याण के लिए लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ सम्राट पद निष्ठा सब कुछ हो बहुत कम होता है बहुत कम होता है। जैसा कि जैन मुनि जी ने भी इसका उल्लेख किया कि मेरा परम सौभाग्य आप सब जानते हैं बिहार में भगवान महावीर की जन्म स्थली भी है और निर्वाण स्थली है संयोग से और दोनों जगह मुझे कई बार जन्म स्थली को कुंडल ग्राम और निर्वाण स्थली पावक जाना चाहिए। जैन धर्मावलंबी है उनके अतिरिक्त भी लोगों को इन दोनों स्थली पर जाना चाहिए देखना चाहिए। वो जो निर्वाण स्थली है वाकई में जहाँ पर कहा गया था कि भगवान महावीर का जब निर्वाण हुआ था तो कमल के पुष्प खिल गए और जिस जहाँ पर उनका समाधि वो किया गया और आजकल भी वर्तमान में भी वो परंपरा जारी बहुत बड़ी झील है और उसमें जो है वो एक सीजन आता है उसमें कमल के पुष्प खिल गए। भगवान महावीर जयंत भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि 24 के बाद में रोक क्यों लगा 25वीं क्यों नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि आखिर विश्व का एक यदि मानव प्रवृत्ति की एक सीमा है इस संसार में तो शिक्षाओं की भी तो एक सीमा हो गई और शायद ने हमारे 24 तीर्थंकर थे तो जो कुछ शिक्षा में कभी 23 तीर्थंकरों ने जो शिक्षा दी इस विश्व को इस मानवता को और उसमें जो थोड़ी बहुत और ज्यादा देनी थी वो मुझे लगता है जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने जो शिक्षा दे दी मानवता का मुझे लगता है कुछ अन्य शिक्षा की आवश्यकता नहीं। तो नेचर और वो ये है कि जो आप देते हैं वो कई गुना होकर के आपको वापस मिलता है। यदि आप अच्छे दूसरों के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके अच्छे शब्द मिलेंगे। यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे गाली देंगे अपशब्द कहेंगे तो वो कई गुना आपको मिलने वाला है। सावधान रहिएगा आपको लगेगा कि ये मेरा सबॉर्डिनेट है आज इसको तो मैं अपशब्द भी कह सकता हूँ। विद्यालय हो व्यापार हो कहीं पर भी हो मैं धनाढ्य हूँ पद है प्रतिष्ठा है मेरे पास मैं अपशब्द का प्रयोग कर सकता हूँ। भूल जाइए आप उसके लिए कर सकते हैं शायद वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा और करेगा भी नहीं करेगा लेकिन ये ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्तियाँ हैं अदृश्य शक्तियाँ जो कि गवर्न कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को और वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे नीचे और उनके द्वारा आपको अपशब्दों को सहना और इसीलिए ये जो ट्रस्टीशिप की भावना है जो अपरिग्रह की भावना है इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था कि आपके पास जो है आप अगर देंगे तो कई गुना। उसको मैं उदाहरण देता हूँ एक बीज है आप जमीन में डाल दीजिए कई गुना कितने गुना पैदा होकर के आपके पास आता आपके पास एक आम का पेड़ लगा दीजिए एक गेहूं का दाना डाल दीजिए न जाने कितने कितना उसका विकराल स्वरूप विराट स्वरूप आपके पास आता है। अब आप उसका कितना उपयोग कर सकते हैं इसलिए देने की जो भावना है वो हमेशा बना करके रखना चाहिए। मानव जाति आज अपनी बढ़ती हुई जरूरतों के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे संसाधनों का निर्मम उपभोग बढ़ता गया जिसके कारण प्राकृतिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी अनिष्टकारी स्थितियां आज हमारे लिए संकट है। कोरोना से भी हम प्रभावित इसलिए हुए थे क्योंकि हमने प्रकृति के साथ जीना छोड़ दिया। आज प्रकृति
प्रकृति के साथ जितना आप अधिक जिएंगे उतना ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा और उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। मेरी अपेक्षा थोड़ी कठिन है, लेकिन केवल और केवल यदि आप जैन धर्म के अनुयायी सच्चे मानेंगे तो पूरे लोक कल्याण के लिए सोचें। मत सोचिए कि कुछ बच्चे, कुछ परिवारों के बच्चे, हमारे बच्चे, जहां पर भी आपको कोई भी बच्चा, मैं इसलिए एक उदाहरण दे रहा हूं, केवल 4 दिन पहले मैं वाराणसी गया और एक मुझे मैं वो कार्टून बहुत दिनों से पेंटिंग था, स्लम एरियाज के बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया। काशी विद्यापीठ में उसके वाइस चांसलर आए, उनका नाम है प्रोफेसर आनंद त्यागी, वो थे और उनके सभी फैकल्टी मेंबर्स, वहाँ का पूरा प्रशासन था। छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, लेकिन मैंने जब इंटरेक्शन किया तो मुझे लगा कि इनके पास अभाव में जीते हैं, उनके माँ बाप की बातें तो मैं छोड़ रहा हूँ, माँ बाप तो नहीं सुन रहे, लेकिन वो बच्चे, उनमें टैलेंट। और मैंने इसलिए वहाँ विद्यापीठ के वाइस चांसलर और डीएम और कमिश्नर सबको मैंने कहा कि आप कुछ मत करिए, इन बच्चों के टैलेंट कुछ की तो व्यवस्था हम करवा देंगे इधर उधर से, कि जो यूनिफॉर्म है सीलिंग के लिए वो आप समझ सकते हैं, भगवत का पेड़ विद्यापीठ वहाँ पर बच्चे आते हैं और दिन भर क्या करते हैं, कहीं भीख मांगते हैं, कहीं पर सड़क पर खड़े होकर किसी के जूते की पॉलिश करते हैं, ये करते हैं। और उनके माँ बाप भी इस प्रकार के, मैं कह सकता हूँ क्रूरता, इतनी क्रूरता, वो कहते हैं बच्चों को, ये कहते हैं तुम शाम तक जो है 100 रुपये 80 रुपये कमा के आओगे तभी घर में आना, ये क्रूरता। इसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ केवल, मैं ये कह रहा, लेकिन मैंने जो टैलेंट पाई उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आगे भी देखूंगा, लेकिन टैलेंट मैं ये चाहूंगा बंद तंत्र से कि आप यू सर्च टैलेंट, उसे मत जाइए। और मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों से, ये जो आज आपको एक बच्चे से यदि एनुअल चार्ज करते हैं 1 लाख 1.5 लाख, आगे भी पढ़ने वाला है 2 लाख, इन्हीं से 25,000 और ले लेना, लेकिन वो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो ये भी देंगे, इनकी भी खुशी है कि इन्हीं के मोहल्ले में, इनके यहाँ घर में जो बाई काम करती है उसका भी बच्चा या बच्ची होगा, वो आगे बढ़ करके जाएगा, मुझे लगता है कि कितनी खुशी होगी इन परिवारों को। तो इनके, इनका भविष्य और इनको पूर्ण दिलाने का यदि आप प्रबंध तंत्र, मैनेजमेंट जो है स्कूल का मैनेजमेंट करेगा, आप अप्रत्यक्ष रूप से इन सबको पूर्ण का भागीदार बनाएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, मैं अंत में फिर मुझे परमादरणीय जैन मुनि जी का, आदरणीय पूजनीय श्री समर्पण सागर जी महाराज का उद्बोधन, उनका सानिध्य आज मिला, उसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का सम्मान करते हुए हमारे बीच जैन समाज, इनकी ख्याति और आज की सभा का गौरव कोटि कोटि बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथिगण का। मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने अपने स्थान ग्रहण करें।